नमस्कार दोस्तों, ये ओनिडा अल्ट्रा स्लिम टीवी है और ये डेड है। चलिए देखते हैं इसका प्रॉब्लम क्या है। मैंने सर्किट बोर्ड को ओपन कर दिया हूँ। तो मैंने ओपन कर दिया हूँ सर्किट को। पहले हम लोग मेन लीड को चेक कर लेते हैं। मीटर को कंटिन्यूटी मोड में रखा हूँ। ठीक है, मैं मेन लीड को चेक कर रहा हूँ। एक साइड बता रहा है, इस साइड भी बता रहा है, मतलब मेन लीड ठीक है। अब चेक करेंगे यहाँ से जो गया है स्विच को, ये भी स्विच ठीक है। तो स्विच गया है, उसके बाद स्विच ठीक है, स्विच से फ्यूज फ्यूज उड़ गया है, फ्यूज गया है, कुछ शॉर्टिंग रहेगा, हम लोग चेक करेंगे। तो शॉर्टिंग के लिए ये लाइन फिल्टर है, लाइन फिल्टर को भी चेक कर लेते हैं और शॉर्टिंग के लिए दोनों पॉइंट को चेक करते हैं। यहाँ पे शॉर्ट नहीं बता रहा है, तो हम लोग मेन फिल्टर जो मेन कैपेसिटर है यहाँ पे शॉर्टिंग चेक करते हैं। देख रहे हो यहाँ पे शॉर्टिंग बता रहा है, तो इसका मतलब इधर सेटिंग पता था तो डायड ब्रिज रेक्टिफायर जो डायड है वो ख़राब रहता, लेकिन यहाँ पे सेटिंग बता रहा है इसका मतलब एसटीआर ख़राब हो सकता है, शॉर्ट रह सकता है। हम लोग ओपन करके देखेंगे एसटीआर को, ओपन करके देखते हैं। देखिए एसटीआर का जो मेन सप्लाई है 300 वोल्ट सप्लाई होता है, इसको ओपन कर दिया तो शॉर्टिंग चले गया, देख रहे हो। तो इसका मतलब एसटीआर शॉर्ट है, तो एसटीआर को ओपन करेंगे।
ठीक है, अभी सोल्डिंग डिसोल्ड हो गया है। ठीक है, ये देख रहे हो निकल गया और इसका नंबर है 8656। ठीक है, तो इसके जगह पे मैं नया वाला बदलूंगा, इसका नंबर भी 8656 है। ठीक है, ठीक है, लग गया, अभी नट लगा देते हैं। ठीक है, इसको सोल्डिंग कर लेते हैं। सोल्डरिंग हो गया, अभी शॉर्टिंग के लिए फिर से थोड़ा चेक कर लेते हैं। अभी शॉर्टिंग बता रहा है कि नहीं, चेक करेंगे। ठीक है, ये मेन कैपेसिटर है, शॉर्टिंग नहीं बता रहा। ठीक है, तो ये जो फ्यूज लगा हुआ है, फ्यूज के जगह पे मैं सीरीज बल्ब दे देता हूँ और वोल्टेज चेक कर लेते पहले SMPS चालू हुआ कि नहीं। ठीक है, तो फ्यूज के जगह पे ये सीरीज बल्ब दे दे रहा हूँ। ठीक है,
ठीक है। अब यहाँ से 110 वोल्ट निकलना चाहिए SMPS से। तो अभी मैं पावर स्प्रे, हाँ वोल्टेज तो आ रहा है, देख पा रहे हो। तो मैं फ्यूज को लगा देता हूँ सीरीज बल्ब को निकाल के, शॉर्टिंग तो नहीं बता रहा है। ठीक है, मैं पतला तार बांध दे रहा हूँ फ्यूज की जगह पे। ठीक है, अभी फिर से वोल्टेज चेक करेंगे। पावर सप्लाई दे दिया, देख रहे हो 125 आ गया। और अभी देखते हैं स्क्रीन पे टीवी चालू हुआ कि नहीं। ठीक है, ये देखिए टीवी चालू हो गया है। तो STR का प्रॉब्लम था। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।